बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, धनी धर्मदास साहेब की, वंश्री हजूरोदित नाम साहेब की। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति, सकल पाप भय छार। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। सदगुरु कबीर साहब की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से इस ओजस सिटी की पवित्र नगरी में आज यह जो पवित्र और सुंदर दृश्य का आप दर्शन कर रहे हैं, यह महायज्ञ एकोत्री चौकारती का विधान है। धर्मदास साहेब की परंपरा में सदगुरु कबीर साहेब ने जिस भक्ति, जिस उपासना और जिस पूजा का विधान धर्मदास साहेब को बताए, वो पूजा का विधान का यह स्वरूप है जिसकी आज यहाँ रचना हुई है। 100 महान साहेब इस पूरे यज्ञ में विराजित होकर अपने गुरुजनों को, धर्मदास साहेब की परंपरा को स्मरण करते हुए अपने जीवन के मंगल कामना के लिए, भक्त हंसजनों के जीवन की मंगल कामना के लिए, पूरे समाज की मंगल कामना के लिए, पूरे देश की मंगल कामना के लिए और पूरे विश्व की मंगल कामना के लिए आज सोजस सिटी की नगरी में इस महायज्ञ का आयोजन हुआ है। सदगुरु कबीर साहेब जब धर्मदास साहेब को ये उपदेश दिए, तो धर्मदास साहेब ने सदगुरु से इस पूजा का रहस्य प्राप्त किया। वे कहते हैं कि साहेब, मुझे आपने जो विधान बताया, आपने जो रहस्य दिया, आपने जो भेद दिया, उस विधान को मैं इस संसार में भक्त हंस जनों के लिए, जिज्ञासु प्रेमियों के लिए इसे अपने शीश में धारण करके इसका पालन करूंगा। इस प्रकार धनी धर्मदास साहेब ने अपने गुरु की आज्ञा समझकर इस पूरे पूजा को, विधान को बड़े ही श्रद्धा और प्रेम भाव से इसे धारण किए और इसका पालन किए। क्योंकि साहेब से जब धर्मदास साहेब ने पूछा कि साहेब इसका भेद बताओ, इसका रहस्य बताओ, तो सदगुरु ने कहा, हे धर्मदास, आरती अजर लोक महकिन्हा, सो आरती हम तुमको दिन्हा। हे धर्मदास, आरती की शोभा जो अजर लोक में होती है, हंसों के मध्य होती है, उस आरती का विधान, उस पूजा का विधान, उस पवित्रता का विधान, हे धर्मदास, मैं तुम्हें इसे इस जगत में बता रहा हूं, उसे तुम सत्य करके मानना। आरती अजर लोक महकिन्ना, सो आरती हम तुमको दिन्ना। धर्मदास मानो उपदेशा, सत्य पुरुष का सुनो संदेशा। जागर आरती नाहिन साजी, तागर धर्म राय की बाजी। ये पूरा उपदेश सदगुरु से प्राप्त करके धर्मदास साहेब ने इस पूजा को सदगुरु के चरणों के से इसकी शुरुआत की।
सतपुरुष के लोग से साहेब जब इस जगत में आए तो संत रूप में साहेब विचरण किए, और विचरण करते करते साहेब जब बांधवगढ़ पहुंचे तो बांधवगढ़ की पवित्र भूमि में पूरे धर्मदास साहेब का परिवार सदगुरु के आगमन की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर और हाथों में आरती लेकर खड़ा हुआ कि हे सदगुरु, आज आप मेरे द्वार पर पधारे हो, आज मेरे द्वार को आप पवित्र कर रहे हो, मेरा धन्य भाग, इतनी योग्यता मुझ में नहीं है, इतनी पात्रता मुझ में नहीं है, फिर भी आपने जो कृपा की, आपने जो मुझे दर्शन दिया, आपने जो मुझे कृतार्थ किया, वह मैं जन्म जन्म उसका ऋणी रहूंगा। इस प्रकार धर्मदास साहेब ने सदगुरु के चरणों में इस पूरे पूजा विधान को रचकर धर्म पत्नी सहित उन्होंने उसी पूजा में सदगुरु को नारियल समर्पित किया और दोनों सदगुरु के ज्ञान उपदेश से दीक्षित हुए। ये धर्मदास साहेब का दूसरा जन्म था। पहला जन्म जब उनका हुआ तो उनके माता पिता से हुआ। आज इस संसार में सदगुरु से कोई दीक्षा और शिक्षा प्राप्त करता है तो उसे उसका दूसरा जन्म कहा जाता है। जब से सदगुरु शरणे आए तब से दूसर जन्म कहाए। जब से शिष्य गुरु के शरण में आता है उसका दूसरा जन्म होता है। इसी प्रकार धर्मदास साहेब जब सदगुरु के शरण में आए तो उनका भी मानो इस जगत में दूसरा जन्म हुआ। और जैसे जैसे धर्मदास साहेब ने इस जगत में यात्रा की, जैसे जैसे इस जगत में अपने भाव और भक्ति को इस संसार के लोगों को बताया समझाया, वैसे वैसे इस पंथ की नींव चारों तरफ सारी दुनिया में बढ़ती चली गई। और वे ही भक्ति की परंपरा, उपासना की परंपरा का यह जो स्वरूप है जिसको आज आप इस सोजत की धरा पर देख रहे हैं। सदगुरु कबीर साहेब ने इस पूजा का विधान शिष्य को किस उद्देश्य से बताया? अब यहां सदगुरु जिस मुकाम से इस धरा पर आए उस मुकाम का महत्व, उसका भेद और उसकी प्राप्ति का रहस्य इस पूरे पूजा विधान में विद्यमान है। इस पूजा विधान के में जो विद्यमान रहस्य है उस रहस्य के भेद को सदगुरु ने धर्मदास साहेब को बताया कि हे धर्मदास, जो मैंने पूजा और उपासना का तुम्हें उपदेश दिया, एक तो सर्वप्रथम यह जो पूजा और उपासना है वह जीव को सतपुरुष की भक्ति से जोड़ता है। क्यों मैं तुम्हें सतपुरुष की भक्ति का संदेश देने ही आया हूं, इसलिए सर्वप्रथम तुम्हारी भक्ति जुड़ सके, तुम्हारे मन में कोई भाव आ सके, तुम्हारे हृदय में कोई प्रेम का उद्गार हो सके, इसलिए इस भक्ति को मैंने इस पूजा विधान से तुम्हें दिया। और क्या रहस्य है? एक रहस्य है कि यदि हम गुरु के ज्ञान को सुनते हैं और पूजा पड़ोसी के घर के करते हैं तो उस ज्ञान और पूजा में कोई तालमेल होता नहीं है, उसमें कोई तालमेल नहीं है। क्योंकि साइंस का यदि विद्यार्थी किसी प्रयोगशाला में जाए तो प्रयोगशाला में जिसका वो प्रयोग करना चाहता है उसी विधि के लिक्विड को उसको मिलाना पड़ता है, और यदि दूसरे में से दूसरा मिला दिया तो वो कुछ बनने वाला नहीं है, वास्तव में वो बिगड़ जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहेब धर्मदास साहेब को इस जीव के लिए जो प्रयोगशाला का विधान दिया वो यही विधान है
कि हे धर्मदास, यदि तुमने बचन साहेब से सुना है, ज्ञान साहेब का प्राप्त किया है, मार्ग साहेब का प्राप्त किया है, तो तुम्हारे अंदर जो पूजा की लहर पैदा होती है, दान पुण्य की लहर पैदा होती है, शीश झुकाने की लहर पैदा होती है, तो उस लहर और ज्ञान का तालमेल होना चाहिए। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि हे धर्मदास, पूजा तुम्हें करनी है तो सदगुरु के चरणों में बैठ करके सात्विक पूजा करना, पत्र पुष्प फल मेवा मिष्ठान इत्यादि का पूरा विधान सदगुरु कबीर साहब ने इस पूजा के लिए बताया। और दूसरी बात, एक शिष्य जब गुरु की शरण में आया है, तो गुरु की शरण में आने के बाद शिष्य की मति, उसकी बुद्धि, उसका विचार, उसका संकल्प एक विधान में रहना चाहिए। इसलिए भी सदगुरु कबीर साहब ने इस विधान की रचना की, क्योंकि गुरु की दृष्टि में शिष्य निरंतर वास करता रहे, मन से, वचन से और कर्म से। मन, वचन, कर्म से ये विधान होना चाहिए। इसलिए कबीर पंथ के विधान में, जो दूसरे पंथों के विधान में यज्ञ, उपासना, बलि इत्यादि की प्रथा थी, उस प्रथा में आदमी जुड़ जाता था, सदगुरु कबीर साहब ने उससे निकाल करके इस जीव को सदगुरु की सात्विक भक्ति और पूजा का संदेश दिया। और जन्म जन्म तक जो हमारे मन में भाव रहे, जो संकल्प रहे, उसका सदगुरु ने उस शिष्य को दिग्दर्शन कराया। तो एक तो मनुष्य के मन के अंदर जो भाव पैदा होते हैं पूजा उपासना, उस पूजा उपासना को सदगुरु के स्वरूप और सदगुरु के चरणों के करीब रख करके सदगुरु ने धर्मदास को विधान बताया। हम जब कभी भी कोई आयोजन करते हैं, कोई पूजा, कोई उपासना का आयोजन करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी धारा क्या है, मेरी क्या धारा है, गुरु की क्या धारा है, माता पिता की क्या धारा है, परिवार की क्या धारा है, सबकी धारा बदल जाती है। लेकिन एक शिष्य जब गुरु की धारा पर उतर जाता है तो वो धारा बदलती नहीं है, वो धारा उसी रूप में विद्यमान रहती है। इसलिए धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब ने इस भक्ति की धारा, और भक्ति की धारा के साथ साथ धर्मदास साहब ने निवेदन किया कि साहब, आपके चरण में बैठकर मुझे तो ज्ञान हुआ, मुझे तो दर्शन हुआ, मुझे तो लाभ मिला, लेकिन जो प्राणी मात्र है, घर परिवार संसार में जो जीवन यापन करते हैं, यदि उसकी वृत्ति, उसका विचार सात्विक, राजस और तामस, तीन प्रकार की प्रवृत्ति होती है, तीन प्रकार की प्रवृत्ति से तीन प्रकार का आहार और विहार का जन्म होता है। राजस तामस, राजसी प्रवृत्ति, तमोगुणी प्रवृत्ति और रजोगुणी प्रवृत्ति। यदि ऐसी प्रवृत्ति है तो हमारी उसमें पूजा भी वो रजोगुणी हो जाती है, पूजा भी तमोगुणी हो जाती है, पूजा भी सतोगुणी हो जाती है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ज्ञान यदि सतोगुणी है तो हे धर्मदास, तुम्हारी पूजा भी सतोगुणी होना चाहिए, उसमें रजोगुण नहीं आना चाहिए और तमोगुण नहीं आना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब ने एक शिष्य का आंतरिक भी उद्धार किया और व्यवहारिक भी उद्धार किया। क्यों, हम कितने ही पवित्र अपने घर के बच्चे को यदि अच्छे संस्कार नहीं है उस जगह, या पढ़ने भी भेजते हैं, उसकी संगति में भेजते हैं, तो उस रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव उस बच्चे पर पड़ेगा ही पड़ेगा, उसको आप रोक सकते नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहे, भक्ति के मार्ग पर
हे धर्मदास, यदि तुम्हारा कोई शिष्य हंस भक्त परिवार यदि चलता है, तो यदि सदगुरु की सतोगुणी ज्ञान उसने प्राप्त किया है, तो उसकी पूजा, उसका दर्शन, उसकी उपासना भी सतोगुण के विधान से होना चाहिए, नहीं तो उसकी वृत्ति बदल जाएगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने इस सतोगुणी ज्ञान के लिए सतोगुणी दृश्य का अवतरण किया। कहते ना, जापल दर्शन संत की, तापल की बलिहार। यदि भूमिका हमारी संत की है और दर्शन रोज दुष्ट का करते हैं, तो वृत्ति बदलती है, वृत्ति एक जैसे नहीं रहती। तो सदगुरु कबीर साहब ने ये विधान उसी रहस्य से बताया कि हे धर्मदास, जब तुम सतोगुणी ज्ञान से शिक्षा और दीक्षा प्राप्त किए हो, तो जिसका तुम दर्शन करते हो, क्योंकि पूजा में जब आप आए हो तो दर्शन करना पड़ता है ना, तो दर्शन करना पड़ता है, तो जिस पूजा का दर्शन करते हो, उस वह पूजा भी सतोगुणी विधान के अनुसार होना चाहिए। तो ज्ञान सतोगुणी और दर्शन भी सतोगुणी होना चाहिए। तो उस ज्ञान और दर्शन यदि सतोगुणी है, तो उस सतोगुण का प्रभाव जो है हमारे चतुष्ट अंतःकरण में पड़ता है, मन बुद्धि चित्त विचार, उस अंतःकरण में उसका प्रभाव पड़ता है। और उस अंतःकरण में यदि दर्शन से और श्रवण से, देखने से और सुनने से, दर्शन से और श्रवण से यदि भिन्नता हुई, तो तुम्हारे विचार किसी प्रकार रहेंगे और कर्म किसी प्रकार हो जाएगा, क्योंकि दोनों में अंतर हो गया। हम देखते पवित्र चीज को हैं, लेकिन रोज सुनते किसी दूसरे चीज को हैं, तो वह व्यक्ति अपने विचार को, अपने कर्म को और कर्म के फल को फिर बदल सकता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि हे धर्मदास, जागर आरती नाहिन साजी, तागर धर्म राय की बाजी। हे धर्मदास, मैं मानता हूं कि तुमने सदगुरु का ज्ञान सुना है, सदगुरु का ज्ञान सुना है, ज्ञान को सुन लिया, लेकिन जो दर्शन तुम करना चाहते हो, किसी पूजा, किसी उपासना, किसी सत्संग का, यदि वह रजोगुणी है, तो तुम्हारे सतोगुणी ज्ञान और रजोगुणी दर्शन का कभी मेल होने वाला नहीं है, वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि ज्ञान तो हमने सतोगुणी सुना, लेकिन दर्शन हम किसका कर रहे हैं, रजोगुणी का दर्शन कर रहे हैं। तो सतोगुणी ज्ञान और रजोगुणी दर्शन से कभी मेल खाने वाला नहीं है, क्योंकि साहब कहते हैं, नौ मन दूध बटोर के और टिपका किया विनाश। नौ मन आपने दूध तो बटोर लिया है, लेकिन उस दूध की रक्षा आपने नहीं कर पाई, उसमें एक बूंद भी यदि खट्टा गिर गया तो वो पूरे दूध को फाड़ देता है। तो हमने ज्ञान तो साहब का सुना, लेकिन जो दर्शन हम कर रहे हैं, जो संगति हम कर रहे हैं, या तो वो रजोगुणी का है और या तो वो तमोगुण का है। इसलिए हमारा भी ज्ञान हमें उस तरह से फल नहीं देता है जिस प्रकार से उसे फल देना चाहिए। तो धर्मदास साहिब को जो सदगुरु ने ज्ञान सुनाया, उपदेश सुनाया, और उपदेश ज्ञान सुनाने के बाद उसके दर्शन का भी विधान बताया कि हे धर्मदास, जब तुम अपने घर में कोई विधान की रचना करो, तो वो सात्विक होना चाहिए, वो पवित्र होना चाहिए। और इसीलिए साहेब कहते हैं, तुम अपने घर में किसी को आमंत्रित करते हो, तो वह भी सात्विक हो, वह भी सात्विक हो। आ जाना गुरुदेव हमारे घर सत्संग में, आप भी आना संग संतों को लाना। दूसरे को नहीं कहा, क्या कहा, आप भी आना संग संतों को लाना। साहेब आप तो आना ही, लेकिन साथ में जो संत पुरुष हैं, जिनके पास बैठने से, जिनके दर्शन से और जिसके वचन को सुनने से मेरी भक्ति ऊंचाई की ओर जाए, वो बिगड़े ना, वो बिखरे ना। इसलिए धर्मदास साहेब कहते हैं, साहेब मैं ज्ञान भी उस सतोगुणी ज्ञान सुन सकूं,
मैं दर्शन भी करूं तो अपने संतों का दर्शन करूं, उनके वचन भी सुनूं तो अपने संत भूमिका का वचन सुनूं, तो मेरी जो रजोगुण तमोगुण प्रवृत्तियां मनुष्य को बिखेर देती है वह मेरे जीवन से दूर हो जाएगा। ये रहस्य है, क्योंकि कोई भी पूजा कोई भी उपासना तुम्हें बाहर से ही प्रभावित नहीं करता है, वो तुम्हें भीतर से भी प्रभावित करता है। तो भीतर के प्रभाव को प्रभावित करने का जो विधान था धर्मदास साहेब को सदगुरु ने, उस सदगुरु की पूजा का विधान बताया और उन्होंने कहा कि हे धर्मदास, मैं जिस विधान से अपने लोक में इन संतों और हंसों के विधान के अनुसार की पूजा का दर्शन करता हूँ, हे धर्मदास तुम भी हमारे हंसों हमारे उपदेश को श्रवण किया है मनन किया है तो तुम्हारे घर में हो तो आश्रम में हो तो और कोई मंगल कार्य हो तो कोई भी कार्य हो तो सद्गुरु के वचन के अनुसार सात्विक विधान का आयोजन तुम करना। तो ये कबीर पंथ धर्मदास साहेब के परंपरा को मानने वाला है उसका ये सबसे बड़ा महत्व है, सबसे बड़ा विधान है। उसके घर में कोई बालक का भी यदि जन्म होता है तो अपने गुरु को ही बुलाएगा, गुरु को बुला करके उसके उसके हाथ से सात्विक आनंद आरती पूजा सत्संग विधान वो अपने विधान का करता है, वो दूसरे को नहीं बुलाता। क्योंकि ज्ञान जिसका सुना है दर्शन भी हमें वैसे विधानों का होना चाहिए। और इसी प्रकार इस धर्मदास साहेब की परंपरा में जो संत महंत हैं वो भी जब अपने आश्रम में अपनी कुटिया में चाहे वो नई कुटिया हो तो चाहे पुरानी कुटिया हो तो चाहे वार्षिक कार्यक्रम हो तो कोई भी कार्यक्रम हो तो अपने विधान के उसके यहाँ पूजा और प्रतिष्ठा होती। तो ये रहस्य, इस पूजा का जो रहस्य है उसको सद्गुरु कबीर साहेब ने धर्मदास साहेब को बताया कि हे धर्मदास ये इतना बड़ा रहस्य मैंने तुम्हें अपने मार्ग का बताया, अब इसमें तुम किस 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 विधान से इसमें तुम प्रवेश करते हो। कभी कभी हम क्या करते हैं, ज्ञान तो दूसरा का सुनते हैं और पूजा तीसरा का करते हैं और चलते चौथे तरफ हैं, तो अब वो गुरु क्या करेगा, सारा विधान तो बिगड़ा हुआ है। फिर गुरु के पास आते हो, साहेब मैं क्या करूं, अब गुरु कहता है जो तुम्हारा विचार है वही कर ले, अब मैं क्या करूं उसका है? तो ये पूरा विधान है भक्ति पक्ष में, ये विधान हमारे मन बुद्धि चित्त विवेक विचार को एक मार्ग में लाने के लिए सद्गुरु कबीर साहेब ने हमारे को ये विधान बताया। और जितने भी संत महंत सेवक भक्त समाज अपने धर्मदास साहेब के नाद वंश परंपरा से जुड़े हुए हैं उन सबके लिए भी ये संदेश है कि आप अपने विधान की पूजा ज्ञान शब्द वाणी वचन से ही इस जिज्ञासुओं को संस्कारित करना। और यदि आप इन जिज्ञासुओं को अपने विधान के संस्कार से संस्कारित नहीं कर पाएंगे तो न तो कटिहार का ही उसमें उद्धार है और न तो कोई हंसों का उसमें उद्धार है। तो जो कटिहार है जिसे महंत कहते हैं उसे हमारे धर्मदास साहेब की परंपरा में कटिहार कहा जाता है। कटिहार किसको कहते हैं, एक नदी और सागर को पार लगाने वाले को नाविक कहा जाता है। लेकिन इस जीव को सद्गुरु की ज्ञान और भक्ति का भेद बता करके उसे सतपुरुष का मार्ग पर ले जाने वाले जो महंत हैं उसको साहेब कटिहार कहते हैं। वो कटिहार है, किसका कटिहार है, वो भाव का कटिहार है। इसलिए ये पूरा विधान, पूरा धर्मदास साहेब की परंपरा का ये पूरा विधान है। और इसी विधान के कारण इसी विधान से ही घर में भी संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास, सदगुरु ने जब शिष्य बनाया अपने हंसों को तो उन्हें संध्या भी बताया सुमरन भी बताया भजन भी बताया और ध्यान भी बताया।
संध्या सुमरण आरती भजन भरोसे दास। ऐसे हम अपने सदगुरु की कृपा को इस रूप में प्राप्त करते हैं और इस रूप में प्राप्त करने के बाद आपको ही अनुभव होगा, क्योंकि गुरु कोई चीज तुम्हें देता है, कोई विधान देता है, तो उसकी तुम्हें कुछ प्रतीति होनी चाहिए। और आपको यदि प्रतीति नहीं होती है तो गुरु का मार्ग छूटने में देर नहीं लगता, वो छूट जाता है। साहेब ने धर्मदास साहेब कहते हैं, साहेब मैं आपके बताए हुए उपदेश को तो जगत में देता हूं, लेकिन जगत के लोग जो है उसको स्वीकार नहीं कर पाते। तो साहेब कहते हैं, हे धर्मदास, सत सुकृत सतनाम जगत जाने नहीं, और बिना प्रेम प्रतीत कहा माने नहीं। हे धर्मदास, सुन तो उसने लिया है तुम्हारे ज्ञान को, सुन लिया है, लेकिन उसको अभी उस पर प्रतीति हुई नहीं है। तो जिस ज्ञान को हम सुनते हैं, जिस साधन को हम धारण करते हैं, उसको अपने अंदर प्रतीति होनी चाहिए। 1% भी यदि प्रतीति यदि तुम्हें है तो एक दिन वो दूसरे परसेंट में जाएगा, एक दिन 30% उसका बढ़ जाएगा। धीरे 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 संपूर्ण प्रतीति तुम्हें होगी कि गुरु ने कोई चीज किसी काल में बताई थी, वो आज सत्य हुआ। इसको कहा जाता है प्रतीति। और बिना प्रतीति की भक्ति नहीं होती, क्योंकि एक किसान बीज खेत में ले जाकर डालता है, थोड़ी प्रतीक्षा करता है और सेवा करता है, तो एक दिन वो उग जाता है। ऐसे ही गुरु का ज्ञान भी तो एक बीज है। वह बीज किसी शिष्य को मिलता है और शिष्य जो है उस ज्ञान को संभालता है अपनी साधन से, अपनी भक्ति से, अपने सुमरण से, तो एक दिन वह बीज उसके लिए भी वृक्ष हो जाता है। साहेब ने कहा, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौ घड़ा, और ऋतु आए फल। इसलिए आप अपनी साधन में, अपनी भूमिका में, साधन और भूमिका में हरदम ऊंचाई की तरफ चलना पड़ता है, हम नीचे की तरफ मत आए। यदि साहेब से आज हमने ज्ञान लिया, आज कोई उपदेश लिया, आज कोई मार्ग लिया है, तो धीरे धीरे उसकी ऊपर की ओर जाओ और उसकी प्रतीति तुम्हारे हृदय में गहराई की ओर जाएगी, उसकी प्रतीति की गहराई मिलेगी और तुम अपने सदगुरु के मार्ग की ऊपर की ओर जाओगे। ऊपर की ओर जाना उसी दिन बंद हो जाता है जिस दिन गहराई कम हो जाती है। वृक्ष को आपने देखा, जो सबसे ऊंचा वृक्ष होता है उसकी जड़ सबसे गहरी होती है। बिल्डिंग बनाते हैं ना आप लोग, तो बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाना है तो बहुत नीचे गहराई से नींव डालनी पड़ती है। ऐसे ही कोई मार्ग यदि गुरु से मिला है तो शिष्य को मार्ग में तो आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन उसकी प्रतीति उसके नीचे जाती, उसकी गहराई में जाती है, और तभी उसकी भक्ति छूटती नहीं है। उसकी भक्ति इसीलिए नहीं छूटती कि मार्ग में तो आगे जा रहा है, लेकिन उसकी अनुभूति और प्रतीति उसकी गहराई में जा रही है। ये इस एक गुरु भक्त का ये जीवन दर्शन का उदाहरण है कि हम धीरे धीरे उस प्रतीति को ओर बढ़ते हैं जो सदगुरु की कृपा से हमें प्राप्त हुई। और साहेब तो कहते हैं कि जीव इस संसार में कितने विभिन्न विभिन्न मार्गों पर भटक रहा था, भूला हुआ था, वो तो धन्य भागी सदगुरु मिले कि हमें उन्होंने ये सात्विक भक्ति का उपदेश दिया। और सात्विक भक्ति के उपदेश के साथ साथ कबीर पंथ का ये नियम है कि उसके घर खान पान की शुद्धि होनी चाहिए। खान पान की यदि शुद्धि नहीं है, तो कबीर साहब की मार्ग की भक्ति उससे होती नहीं है। ये सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि मन को तो समझाना पड़ेगा, मन को संकल्प में ढालना पड़ेगा। मन को यदि आपने संकल्प में नहीं ढाला है, मन को नहीं समझा
समझा पाया है तो वह प्रतीति कभी गहरी होती नहीं, नहीं होती है गहरी। इसलिए गुरु का कहा हुआ वचन एक न एक दिन जरूर सत्य होता ही होता है, क्योंकि वो अनुभव की वाणी है। साहेब ने कहा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। तो सदगुरु ने तो आंखों से देखी, गहरी आंख से देख करके कोई मार्ग दिया है, कोई शब्द दिया है, कोई उपासना दी, कोई संस्कार दिया है, वो एक न एक दिन सत्य होगा। यदि तुम उस मार्ग पर रहोगे तब सत्य होगा, और यदि आप उस मार्ग पर नहीं हैं तो वो कभी सत्य होने वाला नहीं, वो कभी सत्य नहीं होगा। हमेशा एक शिष्य को, एक भक्त को, एक हंस को गुरु के वचन को सुन करके खान पान की शुद्धता रखना। और साधना क्या है, साधना किसको कहते हैं? गुरु ने जो कुछ विधान तुम्हें दिया उसकी आप रक्षा कर सको, यही उसकी साधना है। आप उसकी रक्षा करना, रक्षा यदि करते हो तो उसकी सुगंध फैलेगी, और यदि आपने रक्षा नहीं किया तो उसकी सुगंध कहां से फैलेगी। तो शब्द की साधना, मंत्र की साधना या कोई भी साधना गुरु से प्राप्त होता है उसकी रक्षा करने का नाम ही साधन है। आप उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? जो रक्षा कर सकता है उसके अंदर वो सुगंधी फैल जाती है, और यही साहेब ने इस जगत में, इस संसार में आकर साहेब तेरी साहेबी सब घट रही समाए, और ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, ऐसे साहेब ने हमारे घट में सदगुरु के उस ज्ञान को बीज की तरह दिया। एक शिष्य अपने सदगुरु के दिए हुए ज्ञान की यदि रक्षा कर पाता है, रक्षा करना ही, करने को ही साधन कहा जाता है। हम रक्षा नहीं कर पाते हैं तो साहेब कहते हैं ना, तेरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया क्या सोया। सदगुरु के बीज तुम्हें मिला है, हे लेकिन बटोही, बटोही माने साधक, हे साधक तुम सो क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारी गठरी में ये धन सदगुरु ने दिया है, उसकी रक्षा करो। तो जो साधन सुमरन भजन है सदगुरु के दिए हुए बीज की रक्षा है, और जो शिष्य अपने सदगुरु के दिए हुए बीज की रक्षा करता है उसी के जीवन में वह फल आता है। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगड़ा और ऋतु आए फल हो। तो ये माली जब सींचता है सौगड़ा और बैठ करके प्रतीक्षा करता है, बैठकर प्रतीक्षा करता है तो एक दिन उसकी भक्ति फलीभूत होती है। तो इस प्रकार ये सूजस सिटी की पवित्र धरा पर, राजस्थान की पवित्र धरा पर मैंने बार बार आपको ये कहा है कि ये मेरे बहुत दिनों से यह संकल्प था कि हम जिस परंपरा में हैं, जिस सात्विक भक्ति गुरु भक्ति की परंपरा में हैं, उस बड़ी गुरु भक्ति की परंपरा की सबसे बड़ी पूजा का यहाँ आयोजन होना चाहिए, ऐसे मेरे बहुत दिनों से संकल्प था। आज वह संकल्प सदगुरु की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज यह संकल्प हुआ, पूरा हुआ वह संकल्प। इसी प्रकार हर जो शिष्य है उसके जीवन में एक संकल्प तो होना चाहिए, संकल्प लेकर चलना, क्योंकि साहेब की भक्ति संकल्प के बिना नहीं होती। ये नारियल हम भेंट करते हैं, नारियल जब भेंट करते हैं, ये नारियल भेंट करना ही संकल्प को सदगुरु के हाथों में देना होता है कि सदगुरु मैं संकल्प कर दिया कि मैं जीवन का जो मार्ग है उस मार्ग पर चल सकूं, इसलिए मैं ये नारियल संकल्प हम करते हैं, अपने शीश से लगाकर गुरु को संकल्प करते हैं कि साहेब आज मैंने ये नारियल आपके हाथों में संकल्प कर दिया है, आपने जो मार्ग दिया उस मार्ग में मैं जीवन भर रह सकूं, ये संकल्प था। फिर सदगुरु से हमें पान परवाना प्रसाद की प्राप्ति होती है, और उस पान परवाना प्रसाद की प्राप्ति करके शिष्य जो हंस है वह अपने सदगुरु के बताए हुए मुकाम के अनुसार ये सदगति की प्राप्ति करता है। ये इस विधान है, इस पूरा विधान का ये रहस्य है। आज इस पूरे आयोजन में आए संत महंत सभी महंत साहेब जिनको हमने
आमंत्रित किया। भक्त कालूराम जी, उनके सभी समिति के सदस्य, उनके जिन जिन सहयोगियों ने मंच से लेकर भंडार घर से लेकर सभी विभागों की सेवा में सब खड़े रहे और इतने जो संगत आई है सबका उन्होंने देखभाल किया। पूरे सोजस सिटी के भक्त हंसजन सभी ने कालूराम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस यज्ञ को सफल कराया। उन सभी परिवार के लिए खूब खूब आशीर्वाद। साहेब के चरणों में अपने मन को लगाकर रखना, आप साहेब के चरणों में अपने मन को लगाकर रखना, साहेब कभी तुम्हें कमी नहीं होने देंगे, वो साहेब सब पूरा कर देंगे। बस तुम, जब मैंने इसकी घोषणा की थी कि सोजस सिटी में यह कार्यक्रम होना है, तब से लेकर आज तक भक्त श्री कालूराम जी, महंत जीवनदास साहेब और हमारे संत हैं राधे श्याम जी, ये और सुखदेव ये मेरे बगल में खड़ा है, इन सभी ने इस 6 महीना से पूरे भारत के कोने कोने में जाकर इसका प्रचार किया, आपको आमंत्रण दिया, और मैं समझता हूँ इन सबकी भक्ति और इनकी कामना भी आज इतने हंसजनों की उपस्थिति को देख करके ये धन्य भागी बनते हैं कि आज इनकी भी मेहनत आज सफल हो गई। और वे महान संत और हमारे गुरुजन जो मारवाड़ के गुरुजन थे, महापुरुष थे, महंत कृष्णानंद जी, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, संत छोगाराम जी, महंत बद्री साहेब, और जोधपुर में जो जिस स्थान पर मैं बराबर जाया करता हूँ उस स्थान के महंत थे गोपाल दास जी साहेब, वो बड़े टेकी महंत थे। गुरु की आज्ञा पर चलना है तो चलना है, दुनिया किधर जाए उससे उनको मतलब नहीं था, इतने टेकी महापुरुष थे। और जब 1955 में पंश्री हजूर प्रकाश मणि नाम साहेब यहाँ आए, उस समय वो वहीं से आए थे जोधपुर से, तो वो महापुरुषों को भी हम स्मरण करते हैं। छोगाराम जी जिसकी संश्री छोगाराम जी जिनके यहाँ बहुत से शिष्य भक्त हैं, कहते हैं वो बहुत तपस्वी पुरुष थे, 12-12 घंटे 16-16 घंटे साहेब के भजन में बैठे रहते थे, तो उन भजनों की ताकत है, उन महापुरुषों की ताकत है। महंत श्री बद्रीदास जी साहेब की सत साहेब की कुटिया है, वहां भी उन्होंने इस सोजत की नगरी में साहेब के नाम के धुन को लेकर वो बैठ गए थे, और उनके भी बहुत भक्त हंस सेवक समाज है, सब लोग इस महायज्ञ में महंत जीवन साहेब के शिष्य, महंत संतोष दास जी साहेब के शिष्य और लक्ष्मण दास साहेब के शिष्य, और मैं समझता हूँ जितने भी संत महंत पूरे राजस्थान में हैं, क्योंकि इस आयोजन करता भी संत महंत से और भक्त समाज राजस्थान है, तो कोई एक व्यक्ति इसका आयोजक नहीं है, ये संत महंत भक्त सेवक समाज ये पूरे राजस्थान के ये लोगों ने आयोजन किया। ये मैं मानता हूँ कि भक्त कालूराम जी ने ये साहेब का वचन है ऐसा समझ करके उन्होंने दूसरे की परवाह नहीं की, ये साहेब का वचन है हमें इस पर चलना है ऐसे समझ करके उन्होंने इसका पालन किया, और उन्हीं का यह पुरुषार्थ है। और इसीलिए जो सेवा करता है दुनिया उसी को जानती है, जो सेवा नहीं करता है उसको दुनिया जानती नहीं है। तो बहुत से संत महंत सोजस सिटी का नाम लेते ही कालूराम के का देश, इतने महंत बैठे हैं ना, यदि आपने सोजस सिटी का नाम लिया तो वो कह देंगे कालूराम का शहर। इसका एकमात्र कारण है कि जब चाहे कुंभ का मेला हो, कोई भी एक गोत्री आरती हो, कहीं भी हो, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, चाहे गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यदि अपने आचार्य गद्दी की कहीं भी कोई कार्यक्रम है तो वो जाकर के खड़ा हो जाता है, तो दुनिया जानती है उसकी सेवा। तो इस प्रकार हमारे आनंद दास जी को भी मैंने कालूराम के साथ भेजा, उन्होंने भी सेवा की, और भी हमारे आश्रम से जो भी छोटे मोटे संत और बड़े वृद्ध
कुछ हमारे संत जो कार्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं, भंडार में सेवा दे रहे हैं, सबके सहयोग अपने पंथ के प्रति है। और इसी प्रकार हम कामना कभी करते हैं कि जब कभी भी अपने पंथ का कार्य हो, अपने साहेब का कार्य हो, तो थोड़ा सुख दुख और सुविधा को भुलाना पड़ता है। थोड़ा सुख दुख सुविधा को भुलाना भी चाहिए, क्योंकि एक सुख को भुलाएंगे तभी दूसरे सुख के प्रति अनुभूति होगी। यदि हम एक सुख को नहीं भुला पाएंगे, अरे कार्यक्रम में जाएंगे कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ऐसे यदि सुख का आप स्मरण करते रहेंगे तो इस भक्ति और सत्संग का सुख मिलने वाला नहीं है। एक सुख तो को भुलाना पड़ता है। उसी प्रकार मेरी आज्ञा को मानकर संत संतोष दास जी यहाँ कालूराम के पास आए। एक महीने तक जो भी ऑफिशियल इनके कार्य थे, प्रेस के कार्य थे, सभी को उन्होंने किया। उन सबको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और पूरे संगत समाज, हमारे पूरे भारत के कोने कोने से, सभी राज्य के कोने कोने से आए हुए भक्त हंस जनों को भी सदगुरु साहेब खूब आशीर्वाद दें। सबके सबने सबसे बड़ी बात यह है, मैं इसलिए प्रसन्न हूं, आनंदित हूं, मैं समझता हूं कि मैं इसलिए आनंदित हूं, खुश हूं कि सब लोगों ने, ये अपना कार्यक्रम है, अपने पंथ और साहेब का कार्यक्रम है, ऐसा समझकर सब यहां आकर के दर्शन दिए, इसलिए हम बहुत खुश हैं। विदेशों से भी जिन महान भक्त हंस जनों को मैंने फोन किया, सब यहां आए। बताओ कितना दूर है, 20 घंटा यदि फ्लाइट में तुम बैठे रहो, ट्रिनिडाड जाने में 20 घंटा लगता है, 10 घंटे तो लंदन का लगेगा और 10.5 घंटे फिर उधर ट्रिनिडाड का लगता है। तो ये 85 वर्ष के उम्र के लोग हैं जो यहाँ आए। और जहां जहां भी मैं थोड़ी जगह यहाँ के गांवों में गया, कुम्हारा और बहुत सारे गांवों में मैं गया, तो जैसे ही उन लोगों को पता चला कि हमारे राजस्थान में गोत्री आरती है, सब लोगों ने धन जो उनके पास था, जो उनके घर में था, सबका द्वार उन्होंने खोल दिया। कभी ये नहीं कहा कि साहेब हमारे पास नहीं है। कुम्हारा गांव में मैं गया, एक घंटे के अंदर वहां 80 क्विंटल अनाज उन लोगों ने इस यज्ञ के लिए दे दिया। तो सबके भाव, सबके प्रेम को हम स्मरण करते हैं। और सोजस सिटी के घरों में भी अपने अपने घर को लोगों ने खाली कर दिया कि हमारे अतिथि आएंगे, वो यहाँ निवास करेंगे। उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। साहेब का प्रेम, साहेब के चरणों में उनका प्रेम बना रहे। और भक्त गोरा राम जी ने कालू राम से कहा कि जो भी बाहर से अतिथि आएंगे उनका भोजन व्यवस्था मेरे ही घर में होगा। कितना हृदय, उदार हृदय से उन्होंने हमारे विदेश से आए जितने भक्त संत महंत को अपने घर में रखकर सेवा दी। और आसपास के जो कबीरपंथी नहीं हैं, उन लोगों ने भी अपने घरों में हमारे अतिथियों को निवास दिया। हम साहेब से प्रार्थना करते हैं, साहेब उनके हृदय में भी आप पवित्रता का संदेश देना, उन्हें भक्ति और ज्ञान देना। और पूरे सोजस सिटी के सभी समाज के लोगों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद कि उन लोगों ने, इतने जो हमारी जनता आई, किसी प्रकार की उन लोगों ने शिकायत नहीं की। और हमारे बगल में आश्रम है आचार्य चेतन गिरी जी महाराज का, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने पूरा आश्रम भोजन भंडारा संत महंतों के रहने के लिए खोल दिया। उनको भी साहेब बहुत शक्ति दें। कितने विशाल हृदय के वो हैं। और आज इस पूरे समाज को हम खूब खूब बधाई देते हैं। और इस साधना भजन, आस्था भजन चैनल पर इस पूरे कार्यक्रम को बड़ी श्रद्धा और भाव से देखने वाले सभी भक्त हंस प्रेमी जनों के लिए साहेब की बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत आशीर्वाद। हम आप सबको देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ हंसों को देख रहा हूँ, वैसे आस्था भजन चैनल पर जो लोग यहाँ
बैठे हैं उन सबको मैं स्मरण कर रहा हूं, मैं भी आपको देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है तो मेरी दृष्टि आप सबके पास गई है ऐसा मैं महसूस करता हूं। सबके लिए आशीर्वाद। और जेके साहब हाँ जेके जगदीश जी वो भी उन्होंने उनको भी उद्गार हुआ कि हमारे इस भूमि पर हमारे गांव की भूमि पर साहब का इतना बड़ा कार्यक्रम है। उन्होंने 2 लाख रुपया अपने सत्य की कमाई आपके यज्ञ भंडारा में दिया। मैं समझता हूँ एक मुट्ठी भी यदि कालू राम किसी के घर गया और एक मुट्ठी भी दे दिया तो उसके एक मुट्ठी का भी यज्ञ में आहुति हो गई। सबको आशीर्वाद। और ये साधना चैनल और ये टेंट वाले हाँ आस्था भजन चैनल वाले जो भाई यहाँ आए हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं आपको दिखा रहे हैं 3-4 घंटे से भी देखो मेरे सामने ही खड़े हैं, हम बैठे हैं और खड़े हैं, मेरे इस माध्यम से तो दोनों की साधना लगती एक ही है। वो 4 घंटे से खड़ा है, मैं 5 घंटे 4 घंटे से बैठा हूँ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद जो हमारे साथ जुड़े रहे, साहेब की इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। इस टेंट वाले को बहुत बहुत आशीर्वाद और वीडियो वाले को बहुत बहुत आशीर्वाद और पूरे नगर पालिका जल विभाग विद्युत विभाग सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद कि साहेब की कृपा सब पर बनी रहे। और हमारे संत समाज जो इस पूरे कार्यक्रम में अपने सहयोग दिए सभी को हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं और एक आग्रह करते हैं जब भी नादवंश आचार्य गद्दी की ओर से कोई ऐसा आयोजन का आमंत्रण मिले तो आप अपनी सुख सुविधा को भूलकर जरूर आना, जरूर आना। कबीर साहेब की जय, करुणा मैं जय कबीर, सत सुकृत गही लागो थे, जय करुणा जय करुणा मैं जय कबीर, सत सुकृत गही लागो तीर, जय करुणा मैं जय कबीर, सत सुकृत गही लागो तीर। सागर है गही कबीर साहेब, सागर है गही कबीर, कबीर साहेब की जय। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, पंसरी हजूर साहेब की।